प्राथमिक विद्यालय सहजौरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा निर्मित किए गए निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम में हमारे मंच पे आसीन माननीय CDO सर, DC NRLM सर, BSA सर और यहाँ पर उपस्थित नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारी समूह की महिला सदस्यों, पत्रकारगण सभी का आज इस कार्यक्रम में, इस परिसर में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह आप लोगों को जो ड्रेस दिया गया है, यह हमारी जो आपके गांव की महिलाएं हैं जो गरीबी से ऊपर उठना चाहती हैं, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ के इस ड्रेस का निर्माण की हैं। ये जो महिलाएं हैं, जब गरीबी और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, अगर बच्चा गरीब होगा, अगर परिवार गरीब होगा तो उसको आगे बढ़ने के लिए मात्र दो माध्यम होंगे, एक तो शिक्षा हो सकता है, एक तो रोजगार हो सकता है। तो शिक्षा तो बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, वह आगे बढ़ के अपना नौकरी करेंगे और अपने जीवन का जो निर्माण है वह कर सकेंगे। परंतु जो गांव में पहले से गरीबी व्याप्त है, जो हमारे समाज में तमाम तरह की कुप्रथाएं प्रचलित हैं महिलाओं के स्तर पे, उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार एक बहुत अच्छा तरीका है। और रोजगार वह अगर स्वतः रोजगार हो, यानी कि वह आपका सेल्फ व्यवसाय हो, तो ये बहुत ही अच्छा चीज हो सकता है कि वह आपके जो गरीबी है उसको दूर कर सके और उससे जो आमदनी हो वह आप अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनके भविष्य बनाने में निर्माण कर सके और अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर सके। इसीलिए यह कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है कि इससे महिलाओं का जो सदस्य समूह से जुड़ी है उनका मनोबल बढ़ाया जा सके और हमारे बच्चे जो हैं उनको भी एक आत्मबल प्रदान हो सके कि वह ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ पर जिन बच्चों को आज ड्रेस वितरण किया गया है उनके चेहरे काफी खिले हुए थे, पर जिनको नहीं मिला है वो भी उनके ड्रेस अभी यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ लोगों के ड्रेस अभी बन रहे हैं, वह नंबर वाइज बन रहे हैं, वो आपको एक से दो दिन में सभी को मिल जाएगा। सर, मैं बताना चाहूंगी जो ये रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह है पूरे विकास खंड के लगभग सभी प्राइमरी स्कूलों में ड्रेस का निर्माण कर रहा है, तो ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि इस गांव में कई सारी मशीनें लगी हुई हैं, कई सारी महिलाएं काम कर रही हैं, जो जिनकी कुछ कई घर की लड़कियां भी काम कर रही हैं और ड्रेस का निर्माण कर रही हैं, स्कूलों में सप्लाई कर रही हैं। तो यह मतलब हमारे जिले के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्राथमिक विद्यालय सहजौरा से निकले हुए बच्चे आज समूह के द्वारा निर्मित किए गए ड्रेस का फायदा उठा रहे हैं और पूरे जिले में मात्र यही एक ऐसा गांव है जहां से महिलाएं अभी निर्माण करना शुरू की हैं। तो आप लोग आने वाले समय में पूरे जिले के लिए, पूरे विकास खंड के लिए एक रोशनी का काम करेंगी और एक मार्गदर्शन का काम करेंगी कि स्वयं सहायता समूह भी का कुछ महत्व है, क्योंकि आने वाले समय में बस यही एक ऐसी योजना होगी जिस पर सरकार का पूरी तरीके से फोकस होगा और सभी को गरीबी से निकालने में बहुत ही सही तरीके से मददगार साबित होगा। हम आप लोगों से यही आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अपने काम को और आगे बढ़ाएं और अपने जीवन का निर्माण करें, मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।